नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है और भाई साहब इतनी सारी अपडेट्स जो हैं वो निकल के आ रही हैं बहुत सारी चीज़ें जानकारी की हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है लास्ट तक देखेगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दीजिए अगर पहले तो आप करते नहीं हो तो कहना भी ठीक नहीं है कोई बात नहीं अगर शेयर भी नहीं करते तो लाइक आराम से कर जाना मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे भाई ठीक है तो चलो बात करते हैं कि भाई कब तक आएगी खाते में स्कॉलरशिप दूसरी बात है स्टेटस हो रहे बहुत तेज़ी से वेरीफाई कैसे वेरीफाई हो रहे हैं यह आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस वीडियो में मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आपको ना रियलिटी की तरफ थोड़ा लेके चलूं चलूँ चलिए कमेंट बॉक्स की तरफ ले चलता हूँ आपको हाँ इधर तो कमेंट में आप देखो कि रिसभ का बोल रहे हैं मैं इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें मैं बहुत तरीके से समझा सकूँ ठीक है ऋषभ बोल रहे हैं कि तेज़ी से क्या धीरे से भी नहीं हो रहे हैं ठीक है अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैं यहीं पे दिखा दूंगा कि एक लड़की का मैसेज आया था ये रही प्राची इसने बोला है कि हो रहा है मेरा भी कल वेरीफाई हुआ है तो वेरीफाई वेरीफाई हुआ है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई वेरीफाई जो है हो रहे हैं बहुत तेज़ी से और कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं हो रहा बाकी सबका जो है हो रहा है शान बोल रहे हैं कि तेज़ी से वेरीफाई नहीं हो रहे तो भाई शान आपके लिए भी ये जो है कमेंट आप ही के लिए है ठीक है दूसरी बात जो है ये लिख रहे हैं फर्स्ट व्यूअर थैंक यू सो मच अंकित भाई फ्रेश वालों के हैं या रिन्यूअल वालों के भाई अब तो सबके ही होंगे ठीक है तो फ्रेश रिन्यूअल कुछ नहीं अब तो जो है सबके ही होंगे तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है अभी वेरीफाई नहीं हो रहे झूठ मत बोलो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैं ना झूठ बोलता क्योंकि मुझे कोई पर्सनल भी एक रुपए का भी फायदा नहीं है मुझे मैं जो काम ये करता हूँ ये बस हेल्प की तरीके से ही कर रहा हूँ मुझे इस इसमें कोई क्योंकि 200 400 500 व्यूज़ में एक रुपया तक नहीं आता हो कहो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा प्रूफ भी ठीक है तो इसमें तो कोई मेरा फायदा नहीं है तो मैं झूठ बोल लूँगा क्यों ठीक है मैं अच्छी खासी नौकरी करता हूँ जो पैसे मुझे कमाने हैं वो वहाँ से आ ही जाते हैं ये तो मेरा शौक़ है जिस वजह से मैं कर रहा हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पूछाता रहूँ दूसरी चीज़ें क्या हैं करेक्शन के बाद स्टेटस कब से शो होगा कि कॉलिस से वेरीफाई हुआ या नहीं भाई ये जो है स्टेटस जल्दी जल्दी जो है अपडेट हो रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको परेशान होने वाली कोई बात है स्टेटस जैसे ही अपडेट होंगे वैसे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी शक्ति एक्सीलेंट बोलते हैं मेरी स्कॉलरशिप के स्टेटस संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएशन एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम कवर्स भाई साहब क्या, क्या क्या लिख रखा है ऑनलाइन स्थापित किया गया है दिखा रहा है सर इस आएगा है? नहीं प्लीज़ बताओ भाई बिल्कुल आएगी अगर तुम्हारी वेरीफाई होगी तो फिर तो बिल्कुल आएगी इसमें आपने लिख रखा है ना कि संख्या के प्रमाणित को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया गया है सत्यापित किया गया का मतलब क्या है कि आपका जो है वेरीफाई कर दिया गया है वेरीफाई हो गया तो बिल्कुल आएगी आपकी क्यों नहीं आएगी उसके बाद अभी वेरीफाई नहीं हो रहे ठीक है, है? इसमें है सर करेक्शन के बाद स्टेटस कब से सो होंगे अमित कुमार शर्मा बोल रहे हैं सर बीए वालों की कब से आना स्टार्ट होगा बीए वालों की स्टार्ट यार देखो स्टार्टिंग तो मैं तुम्हें तो सही बताऊँ ना तो स्टार्टिंग की तो भाई इतनी है कि ये जो है अभी स्टार्ट होने वाला है नहीं उससे पहले जब तक ये इकतीस इकतीस मार्च तक ही स्कॉलरशिप आपकी आएगी क्योंकि एक काम नहीं होता ऐसे नहीं होता कि भाई चार आदमियों की स्कॉलरशिप आ गई तो चार को भेज दी ठीक है इसमें भाई टाइम लगता है अभी यहाँ देखते हैं कि आ, कुछ और बच्चे जो हैं वो क्या क्या बता रहे हैं ताकि पता चलता रहे कि आ, बैंक वेरीफाई हो गया एक महीना पहले तो बहुत बढ़िया बात है भाई बैंक वेरीफाई हो गया तो और इस्टेटस दिखाऊँ आपको मैं अभी दिखाता हूँ चलो स्टेटस पे ही आते हैं यार अभी तुम्हें मैं स्टेटस ही दिखा देता हूँ ये रहा ये देखो यहाँ वेरीफाइड दिखा रहा है वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ये भी मुझे एक दोस्त ने भेजा था मतलब आप में से ही कोई था उसने भेजा था ये वाला कि भाई ये देखो यहाँ वेरीफाई जो है ये हो रहा है दूसरा क्या है बैंक से वेरीफाई हो गया स्क्रूटनी रिज़ल्ट स्क्रूटनी रिज़ल्ट क्या है कि सारी जो बैकग्राउंड चीज़ें हैं जो देखी जानी है वो सारी वेरीफाई होगी तो ये तो भाई वेरीफाई हो ही गया है इसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं ठीक है दूसरा क्या है <coughs> जिन बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही हो रही है कि भाई कभी तो वेबसाइट नहीं चलती वेबसाइट नहीं चलती तो वी आर सॉरी लिखा जाता है ये दिक्कत क्या है इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा और अभी तो मैं इसी के बारे में ज़्यादा बात करनी पसंद करूँगा कि और बच्चे जो हैं जिस भाई को भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है क्या ठीक है कैसे हो भाई जी आप फर्स्ट व्यू थैंक यू सो मच भाई फर्स्ट व्यू के लिए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई आराम है डी डब्ल्यू से वेरीफाई नहीं हो रहा है सर हो जाएगा भाई टाइम लगता है <coughs> सर मेरे दोस्त का फॉर्म में बैंक अकाउंट अलग है और आईएफएससी कोड अलग है वो करेक्शन हो सकता है बिल्कुल नहीं होगा भाई अब तो आपको ये करना होगा कि अपना आधार कार्ड लिंक करवा दो आधार लिंक करवाओगे तब जाके आपकी बात बनेगी आधार लिंक कराओ भाई पहले तब बात बनेगी वेरीफाई नहीं हो रहा अब तक एकदम थोड़ी होगा भाई आप वीडियो बनाया करो अच्छी बनाते हो आप कम कर दिया है बनाना भाई मैं आपको बताऊं तो भाई मैं एक अच्छी एमएनसी में भी काम करता हूं मैं मेरी जो पोजिशन है वो है ए डब्लू एस क्लाउड इंजीनियर तो टाइम नहीं मिल पाता ये तो मैं अपने शौक़ के लिए करता हूं ताकि लोगों को पूछा सकूं सारी चीज़ें ए डब्ल्यू एस हो भाई Amazon वेब सर्विसेज ठीक है तो अब बात करते हैं हमारे यहाँ हमारे भी यहाँ है भाई ऐसा नहीं है गुरुवर गलत बता रहे हैं आप मालूम है गलत क्यों बताते हो अरे भैया गलत क्यों बताऊंगा मुझे क्या फ़ायदा नुकसान इस बात का और सस्पेक्ट अकाउंट नंबर कास्ट तो भाई ये जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में हम कल बात करते हैं आ, आगे बात करते हैं कि क्या क्या है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बाय बाय टेक केयर